मोहतरम नाजरीन, अदाब, आज़ाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। बांसवाड़ा हल्का पतंगल मंडल के जल्लापल्ली फार्म उर्दू मीडियम स्कूल के ज़ेर एहतमाम यौम असातिज़ा प्रोग्राम मुनक़िद हुआ। इस प्रोग्राम में स्कूली तलबा ने खुसूसी मेहमानों का ज़बरदस्त इस्तकबाल किया और तमाम ने सर्वेपल्ली राधा कृष्णा की तस्वीर पर फूलमाला चढ़ाकर यौम असातिज़ा प्रोग्राम का आगाज़ किया। इस मौके पर डॉक्टर हकीम, सीनियर कांग्रेस पार्टी कायद, ने तलबा से अपने खिताब में कहा कि हमारे उस्ताद शंकर राव साहब की तालीम की बदौलत ही हमें ये तरबियत हासिल हुई, लिहाजा तमाम तलबा से उम्मीद है कि वो भी अच्छी तालीम हासिल करते हुए अपने स्कूल, असातिज़ा और अपने वालदैन का नाम रोशन करें। इस मौके पर रियासत तेलंगाना में खेलों के जरिए बैडमिंटन में अव्वल मुकाम हासिल करते हुए आफरीन बेगम ने सिल्वर मेडल हासिल करने पर एजाज से नवाजा किया और शंकर उस्ताद और आफरीन बेगम की कसरत से शालपोशी व गुलपोशी की गई। हमारे जमाने में ना 3G था, ना 4G था, ना कोई फोन नहीं था। हमको एक ही था, थे तो पिताजी, नहीं तो गुरुजी। जब ये एक थप्पड़ मारते तो हमारा नेटवर्क चालू हो जाता था, ऑटोमेटिक हम पढ़ना शुरू करते थे, दूसरे दिन वो याद करके चाहते थे। और हमारे सार की एक स्पेशलिटी थी, मारते नहीं थे, डेस्क में हाथ डाल देते थे, हर डेस्क दबा देते थे। अब उन्होंने कुछ भी बोल लेते, क्या भी बोल लेते, उनका काम उन्होंने करते रहते थे। आज हम हमारे बच्चों को कुछ बोलते, ये चार उंगलियां हमेशा हमारे डेस्क में रहते थे, क्योंकि अच्छे टीचरों से अच्छी तालीम मिलती, अच्छी तरबियत मिलती। आज हमारे शंकर साहब हमको जो तरबियत दिए, हो सकता बचपन में हमको गुस्सा आता था, अरे क्या रहे ये सार भूतिज मार रहा है, ये सार भूतिज कर रहे हैं। और आज सार की मेहरबानी है, सार आपके जितने भी स्टूडेंट हैं अच्छे पोस्टों पे है, कोई एस आई है, कोई इंजीनियर्स है, कोई लीडर्स है, कहीं भी किसी को पब्लिक को तकलीफ नहीं दे, आपके स्टूडेंट्स काम कर रहे हैं, कोई पब्लिक की कोई शिकायत नहीं है उनके।